नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के न्यूमेरिकल सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। इस सेक्शन में हम लोग सिर्फ बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। वीडियोस जो हैं उसका लेंथ काफ़ी बड़ा होता है हमारा, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर छोटा छोटा वीडियो जो है वो बनाइए। तो न्यूमेरिकल सेक्शन का जो वीडियो होगा वो सिर्फ एक न्यूमेरिकल का होगा। दैट मीन्स कि विद इन 10 मिनट्स हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट होगा। तो जब भी आपको फुर्सत मिले आप आराम से 10 मिनट का समय निकाल के उसको देख लीजिए। एक बार देख लेंगे वह आपका कंप्लीटली मेमोराइज हो जाएगा कि किस तरह से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। तो जेसीईआरटी ने जो आपको एक क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन जो है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यहाँ पर देखिए दिया क्या है, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको दिया गया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू है 5×10³ i न्यूटन पर कूलम है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वेयर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर है और उसका साइड जो है ना कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अगर एक स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है, साइड दिया हुआ है, ठीक है, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपल अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि एरिया कितना हो जाएगा, तो 10×10 और सेंटी दैट मीन्स 10^-2 का होल स्क्वायर। यानी कि एरिया हो जाएगा 10×10×10^-4 मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है इस क्वेश्चन में और साथ में हम लोग देख रहे हैं कि जो एरिया है वह भी हम लोगों को मालूम है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, है ना, इसका जो प्लेन है वो पैरेलल है। पैरेलल है किसका, वाई जेड प्लेन का। और हमेशा ठीक है यहां पर देखिए व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, है ना। ये तो दूसरा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को यहां पर निकालना क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी वैल्यू जो है वह हम लोगों को फाइंड आउट करनी होगी। देन आफ्टर व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब एंगल को चेंज करेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू जो है वो कितना होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर समझिए कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो ई डॉट ए जिसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ए कॉस थीटा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है इस न्यूमेरिकल में जो आपको समझना है कि थीटा का वैल्यू जो है वो हम लोग क्या लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ पर आई कैप लिखा हुआ है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह एक्स एक्सिस की तरफ है। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। तो साइड 10 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले हमने उसका एरिया जो है वो फाइंड आउट कर लिया। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह हम लोग निकालना चाह रहे हैं लेकिन ये पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अगर वाई जेड प्लेन के वह पैरेलल है, कहने का मतलब है कि वह जो एरिया वेक्टर हम लोग लेते हैं, जैसे सपोज करिए ये आपका एक प्लेन है, तो हमेशा एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है उस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को समझिए। तो अगर ये आपका वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो यहां पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, उसके परपेंडिकुलर। तो वाई जेड का जो परपेंडिकुलर होगा वह क्या होगा, आई कैप होगा, यानी कि वो भी एक्स एक्सिस की तरफ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप देख रहे हो आई कैप है वो भी एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अगर सेम डायरेक्शन होता है तो उस परिस्थिति में थीटा का वैल्यू क्या लेते हैं, 0 डिग्री। तो यहां पर फॉर द फर्स्ट केस अगर हम लोग लें, फॉर द फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में जो है आपका थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 0 डिग्री। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो फाई ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। E का वैल्यू आप देख रहे हो कि 5×10^3 है। A का वैल्यू कितना है आप देख रहे हो 10×10×10^-4 और यहाँ पर cos
जीरो डिग्री हो जाएगा। तो कोस जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो गया आपका, वन हो गया, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई इज इक्वल टू फाइव इंटू टेन टू दी पावर कितना हो जाएगा, थ्री है, फोर है, फाइव है, तो यहाँ पर टेन टू दी पावर फाइव हो गया, यहाँ पर आपका माइनस फोर हो गया, कोस जीरो डी का वैल्यू वन। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई का वैल्यू जो है, फाइव माइनस फोर जो है वह आपका वन हो गया, यानी कि ये फिफ्टी हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू जो है फर्स्ट केस में अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हम लोगों का 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका यूनिट जो है वह क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई का वैल्यू आ गया हम लोगों का 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखिए नेक्स्ट फेज में क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर, उसी स्क्वायर के थ्रू जो है आपको फ्लक्स निकालना है। इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अगर मान लिया जाए कि ये आपका प्लेन है, ये प्लेन जो है वो क्या कर रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे है, तो इस तरह से इंक्लाइंड है। तो इस तरह से अगर इंक्लाइंड है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो तो सीधा ऐसे पास करेगा, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर होगा ऐसे और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना। दैट मीन्स कि अगर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है तो आपको 90 डिग्री माइनस जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है उसको हम लोग घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि आपको उसी स्क्वायर में हम लोगों को बोल रहा है कि 30 डिग्री बना रहा है, तो जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा उस स्क्वायर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उस परपेंडिकुलर लाइन के साथ कितना एंगल बनेगा ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, और ये 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू जो है वह 90 डिग्री माइनस आपका 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री लेना होगा। आप इस तरह का न्यूमेरिकल्स में गलती यही करोगे कि डायरेक्टली जो है थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे और आपका काम तमाम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या लेना होगा, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई का वैल्यू निकालना है तो हम लोगों का ई ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई का वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। और चूंकि ये आप देख रहे हैं ये आई कैप है, एक्स एक्सिस की तरफ है और एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, तो जो आपका एरिया वेक्टर होगा है ना, या जो स्क्वायर है उसका परपेंडिकुलर लाइन के साथ कितना एंगल बनेगा, तो वह हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और हम सब जानते हैं कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है ना वह कितना होता है, तो 1/2 पहले एरिया को लिख लें, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2 × 5 = 10, इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई इज इक्वल टू ये हो गया 5 × 25 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, कितना हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये तो सॉल्व हो गया, ये आपका 1 है तो ये आपका 4 माइनस 4, ठीक है, तो 10 का पावर 4 माइनस 4 यानी कि 10 का पावर 0 यानी कि वैल्यू 1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव ई इज इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा बदली हुई परिस्थिति में, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वह न्यूमेरिकल जो हम लोगों के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 16 में है, राइट। तो ये था एक न्यूमेरिकल, एक नए न्यूमेरिकल के साथ जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को है ना यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्वेश्चन के साथ आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।